आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे आईडी के ऊपर में क्या हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, क्या करना है और कैसे होगा। तो कंपनी ने एक चीज़ तय कर लिया है कि वो हमारी बात नहीं सुनेगा। उसके जो मन में है वही वो करेगा, उसमें चाहे उसका लॉस हो, प्रॉफिट हो या आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बट अब जो चीज़ कर दिया है वो उसी पे अड़िग है और उसमें हमें अगर अपना पैसा निकालना है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, मैं पूरा इसमें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक आईडी ओपन किया हूँ जिसमें यहाँ पे MMIT टोकन और यहाँ क्रिप्टो स्टेक ये, और इसके बाद यहाँ क्रिप्टो स्वैप का जो ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे अपकमिंग में 1799.5 और टोटल यहाँ पे 1800.5 है। अब ये है क्या चीज़, थोड़ा सा इसको आप गहराई से समझ लीजिए। तो ये जो है ना, इस प्रकार का जहाँ अभी लगभग जितने भी पुरानी आईडी है सब में ये दिख रहा होगा, नई आईडी में अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो नॉर्मली उसका 0.5% के हिसाब से दे रहा है, उसका अभी कुछ नहीं किया है। अब उसका क्या करेगा नहीं करेगा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि जितने भी पुरानी आईडी है और जिनको 100% मिल चुका है, यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे टोटल 1800 की आईडी थी ये, मतलब इसमें $1800 इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। तो टोटल का आपका जहाँ कहीं भी होगा इधर उधर सब मिला जुला करके आपको एक जगह पे कर दिया है और ये क्रिप्टो स्टेक में लेके आ गया है, ठीक है। और इसके बाद आप उसमें से हो सकता है $100, $200, $500 विड्रॉल कर लिए हैं, उसको माइनस करके आपका क्रिप्टो स्टेक में डाल दिया है। और क्रिप्टो स्टेक में जितना फंड है, जैसे कि यहाँ पे $416 है, तो $416 का $15 से $20 का, यानी कि $416 का अगर हम 15 से 20% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो उसके अनुसार से यहाँ पे उसका MMIT टोकन दे दिया है। यानी कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 5,46,33,46,875 जो टोकन दिया हुआ है, ये अगर हम 416 का जगह निकाल रहे हैं तो लगभग $74 बता रहा है। तो $74 का मैंने देखा यहाँ पे, तो लगभग 18% निकल के आ रहा है, $416 का 18% का हमको ये टोकन MMIT टोकन दिया हुआ है। तो मतलब 15 से 20% ये हमको आपके क्रिप्टो स्टेक में जो फंड है 15 से 20% आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका ही 100% ही दे रहा है आपको, डबल नहीं सोचिए, भूल जाइए उसको। तो $1800 की आईडी है, $1800 की आईडी में से आपने हो सकता है कुछ विड्रॉल किया होगा, उसको माइनस करने के बाद में जो फंड बचा हुआ है उसको क्रिप्टो स्टेक में डाल दिया है, और क्रिप्टो स्टेक में जितना आपका वैल्यू बता रहा है उसका 15 से 20% निकाल करके और क्रिप्टो टोकन आपको दिया है, MMIT टोकन दिया हुआ, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, फिर ये जो आपको जो टोकन मिला है इसी को क्रिप्टो स्वैप का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से फिर हम इसको स्वैप करके अपना ग्लोबल स्टेक के अंदर में स्टेकिंग करना है, और उसका वो कैसे स्टेकिंग करना है वो नेक्स्ट वीडियो आते ही मैं आपको बता दूंगा, आप वो कर लीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना फ्रेंड्स। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका फंड लॉस हो सकता है, जो भी मिलने वाला है और इस फंड से जो हम रिकवर कर सकते हैं अगले 10 महीने के अंदर में, वो शायद वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, कंपनी का कहना है कि 15 दिन का हम समय दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर में आपको ये कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बाकी इसके अंदर में कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसा आईडी है जिसे मैं और भी दूसरे आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये एक न्यू आईडी है फ्रेंड्स, ये लास्ट अगस्त यानी 31 अगस्त को ये आईडी लगी है, ठीक है ना, $500 की आईडी है, इसमें से $80 मेरे को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो $80 में से हमने कुछ विड्रॉल किया हुआ था, बाकी का यहाँ MMIT रिवार्ड के अंदर में दे रहा है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब टुडे का भी इनकम आया है, यस्टरडे इनकम आया है,
मतलब 0.5% ये डेली का दे रहा है, और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं किया है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, बस विड्रॉल रोक के रखा हुआ है। यहाँ पे क्रिप्टो स्टैक MMRT टोकन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं किया है, ये न्यू आईडी का है। तो इसमें पता नहीं कब तक क्या करेगा, नहीं करेगा, देगा कि नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये चीज़ है, और बहुत ऐसा आईडी है जिसका पूरा का पूरा यहाँ पे MMRT टोकन ये सभी जीरो कर दिया है। तो जीरो बहुत सारे आईडी का कर दिया है, पता नहीं उसमें और कुछ अपडेट कर रहा है, क्या करने वाला है, वो आया थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। बस पैसेंस रखिए, यहाँ पे हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, जो करने वाला वो कंपनी करेगा, और क्या सिस्टम देगा, कितना प्रॉफिट देने वाला है वो देख सकते हैं। अभी कल से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमारा, हम अगर ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं तो ट्रस्ट वॉलेट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा अभी 28% प्रॉफिट बता रहा है, मतलब यहाँ पे क्वाइन भी MMRT का क्वाइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है अगर हम स्टेकिंग करते चले जाएं सभी कोई, तो इसका क्वाइन का वैल्यू बढ़ेगा, और वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है कम से कम वो रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो तानाशाही शासन के हाथ में चला गया है, वो जैसा करेगा वैसा हम लोगों को करना पड़ेगा, और इधर उधर दिमाग लगा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको अगर लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप करिए, और अगर निकल सकता है तो निकालिए। फ्रेंड्स, अब जो यहाँ पे स्टैकिंग करने का बात आ रहा है, वो अभी एक दो दिन का वेट करना है, उसका एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे देख लेना कि वो सक्सेस हो रहा है, उसके बाद ही हमको आगे अपना स्टैकिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो फिलहाल वेट करिए, नया अपडेट आने का इंतज़ार करिए, मैं जैसे ही वो आता है मैं आप तक पहुँचा दूँगा। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने टीम को भी बोल दीजिए करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन जा सके और आपका काम आसान हो जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।